चिल्ड्रन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द गैंडी प्रोग्राम ऑफ डीडी उत्तराखंड। बच्चों, आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे और अभी हमने आपको बहुत सारी वर्कशीट्स दी हैं। अभी आपका टेस्ट भी हुआ होगा साइंस का, और उन वर्कशीट्स के आधार पे अब आपका नेक्स्ट टेस्ट भी होने हैं आपके। अभी आपका मैथ्स का होना है, इंग्लिश का होना है, हिंदी का होना है, SST का होना है, संस्कृत का होना है। तो आप पढ़ते रहें, जो कुछ भी आपके टीचर्स आपको वर्कशीट दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे जो काम भेजा जा रहा है, उसको आप ढंग से रिवाइज करते रहें। चलिए टू स्टार्ट द लेसन, थोड़ा सा हम लोग माइंडफुलनेस के अंतर्गत एक्टिविटीज हम करते आ रहे हैं, वो दोबारा करेंगे। सो बच्चों, क्लोज योर आईज, ठीक, और आपने अपनी आंखें बंद करेंगे कुछ टाइम के लिए, ओके, और अपनी आती और जाती हुई सांसों पर ध्यान देंगे। क्यों जरूरी है? इट इंक्रीजेज योर कंसंट्रेशन। आपके अंदर जो काम करने की इच्छा शक्ति होती है उसके जागृत होता है, आप को जो मेमोरी होती है वो आपकी बढ़ती है। ठीक, आप कर रहे होंगे ये एक्टिविटी, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप कर रहे होंगे। चलिए कम बैक, आपको मैंने लास्ट टाइम में आई हैड गिवन यू इन द ब्लैंक्स, तो लेट मी टेक यू टू द स्मार्ट बोर्ड। आपको मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे, तो फिल इन द ब्लैंक्स जो थे वो क्या थे? दिस वॉज ऑन पेज नंबर 29 एंड द लेसन वॉज द गिफ्ट ऑफ चप्पल। ठीक, फर्स्ट वॉज रवि कंपेयर्स लल्लीज प्लेइंग द वायलिन टू, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स में था, तो फिल इन द ब्लैंक्स को मैंने ग्रीन में कर दिया है। क्या था? द डिलेइंग ऑफ अ ट्रेन गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक, दिस वॉज फर्स्ट वन। Now, second one, trying to hide beneath the tray of chilies, Mahindran dash tipped a few chilies over himself. Third one, the teacher played a few notes on his violin and Lally stumbled behind. And Lally, bagi blank ka tha, blank mein kya aega, stumbled behind him on a violin which looked quite helpless and unhappy in her hands. Fourth one, the beggar said that the kind ladies of the household dash kyana tha usme had provided him food for a whole week. And last tha, after the lesson was over, the music teacher asked Lally if dash she had seen his chappal. Is prakar se bachcho dekho, ye hamara fill the blanks tha jo aapne kar liya hoga. To sir, recap karte hain hum log isko. Isme dekhte hain ki hum log jo mrdu hai, mrdu apne चाची के घर में चली गई है। कौन ले गया चाची के घर में? उसकी दादी ले गई है, दादी का नाम है तापी। तो रुकुमनी इज द चाची, और रुकुमनी के बच्चे हैं तीन, लल्ली, रवि और मीना। तीनों के तीनों वहां जाते हैं, खूब खुश होते हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं वो। सो रवि उनको कहां ले जाता है? सबसे पहले अपने गार्डन में ले जाता है और दिखाता है कि एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा उन्होंने पाल रखा है, और कहता है कि भाई ये बिल्ली का बच्चा एक ऑर्डिनरी बिल्ली का बच्चा नहीं है, ये रॉयल फैमिली से का वो है, और इसको उसने नाम दे दिया MP महेंद्रन के नाम से उसको दे दिया गया है। तभी ये सब बातें जब चल रही थी तो उनके कमरे से एक आवाज आती है, क्रीच की आवाज आती है, सबके सबकी निगाहें उस ओर चली जाती हैं कि भाई क्रीच की आवाज कहाँ से आ रही है। देखते क्या है, पूछते हैं कि भाई कहाँ से आ रही है, तो रवि बताता है कि उनकी बड़ी बहन जो है वो जिसका नाम लल्ली है वो म्यूजिक सीख रही है। अब म्यूजिक में कौन सा क्या सीख रही है? वो वायलिन बजाना सीख रही है, और जो वायलिन के टीचर हैं वो सिखा रहे हैं, अच्छे सिखा रहे हैं। तो जब वो वायलिन की टीचर म्यूजिक बजा रहे हैं तो बड़ा अच्छी मधुर संगीत आ रहा है, लेकिन जब लल्ली बजा रही है तो वो बड़ी आउट साउंड लग रही है। ठीक, ये सब बातें हो रही थी, उसी दौरान उनका गेट खोलने की आवाज आती है, जो मेन गेट है उसकी खोलने की आवाज आती है। देखते क्या है कि वहां एक भिखारी आ रखा है, बेगर आ रखा है, वो पुकारता है, घर की जो महिला है उनको पुकारता है, अम्मा अम्मा कि मुझे कुछ खाने को दे दो। तो जो रुकमणी है, जो दादी है, चिल्लाती है, कौन आया है, क्यों आया है, हर बार यहीं आता है ये, वो करने भीख मांगने के लिए, इसको बोलो कि यहाँ चला जाए, यहाँ से भाग जाए, और उसको वो भागने के लिए कह देते हैं। लेकिन फिर बेचारा वो कहता है कि देखो मैं तो इतनी गर्मी हो रही है, थोड़ा मैं रेस्ट कर सकता हूँ। तो बच्चे कहते हैं ठीक है भाई, तो रेस्ट कर लो उस पेड़ के नीचे। तो वो रेस्ट करना करता है, फिर वो बताता है कि भाई मैं जिस धूप में जाऊँगा मेरे पाँव ऑलरेडी छाले हो रखे हैं, ब्लिस्टर्ड हो रखे हैं उसमें, और क्या मुझे थोड़ी देर रह सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें करके बच्चे कहते हैं अरे इसके पाँव में तो चप्पल ही नहीं है। तो क्या करते हैं वो, ढूंढते 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 तो उनको एक चप्पल मिल जाती है, बड़ी सी चप्पल है,
किसी किसी और की चप्पल है, उनके घर में शायद उनको पता नहीं कि किसकी चप्पल है, लेकिन वो चप्पल क्या करते हैं उसको उठा करके उस बैगर को दे देते हैं। बैगर उनको देखता है और चुपके से पहनता है और वहां से चला जाता है। तो देखो बच्चों, हम लोग यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे क्या होता है, आई रीड द लेसन। द म्यूजिक मास्टर केम आउट द हाउस एंड टुक एन अनप्रिसिएंटेड लुक एट द थ्री ऑफ देम। जो टीचर था, जो म्यूजिक टीचर था, वो अपने चप्पलें ढूंढ रहा था। सो क्या करा उसने, तीनों बच्चों को देखा सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री। जो बच्चे कहां बैठे थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, प्लेइंग मार्बल्स, कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट देम। म्यूजिक टीचर को पता था कि उसने कहां रखी चप्पल, ढूंढने लगा, नहीं मिला। वेयर ही हैड पुट देम, लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर फ्यू मिनट्स, क्योंकि लल्ली उसकी स्टूडेंट थी, तो उसने लल्ली को ही बुलाया म्यूजिक टीचर ने। सी हरेड अप टू हिम, Have you seen my chappals, my dear? क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है डियर? I remember I having kept them here. मैंने अभी तो यही रखी थी। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लल्ली एंड म्यूजिक टीचर सर्च फॉर एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। रवि, मृदु और मीना देखने लगे लल्ली को चारों तरफ की, कहाँ कहाँ वो ढूंढ रही है। अब बच्चों को तो पता था कि उन्होंने कहाँ छुपा, कौन ले गया, किसको दे दी उन्होंने। चारों तरफ ढूंढने लगे। He scurried around. He rushed around, looking over the railing and crouching near the flower pot to look between them. ठीक, म्यूजिक मास्टर भी अपनी चप्पलें ढूंढने लगा कि कहाँ हो सकती हैं, नीचे तो नहीं हो सकती हैं, किसी फ्लावर पॉट के पीछे तो नहीं हो सकती हैं। ब्रांड न्यू देवर, अरे बिल्कुल नई थी वो। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, मैं इन चप्पलों को खरीदने के लिए बहुत दूर तक गया, कहाँ तक गया, माउंट रोड उनके शायद शहर में कोई रोड है, वहां तक गया। ही वेंट ऑन सेइंग, दे कॉस्ट अ होल मंथ फी, यू नो, पूरे एक महीने की फीस है, एक महीने का जो मुझे मिलती है उसका उसका उतने की कॉस्ट है इसकी, तुम्हें जानते हो। सून लली वेंट टू टेल हर मदर, अब उसको उसने देखा होगा लल्ली को कहीं मिला ही नहीं, मिली चप्पल, तो लल्ली क्या गया, लल्ली कहाँ चली गई, अपनी मदर के यहाँ गई, मदर के पास गई। मदर उसकी नाम है रुकुमणि। रुकुमणि अपीयर्ड लुकिंग हैरेस्ड विद पाती फॉलोइंग हर। जब लल्ली ने बताया होगा कि भाई जो हमारे टीचर हैं उनकी चप्पलें नहीं मिल रही हैं, तो क्या किया उसने, वो भी बड़ी परेशान हो गई और दादी के पास गए, आपस में बातचीत करने लगे। वेयर कुड दे बी, अरे चप्पलें कहाँ हो सकती हैं, तो यही होनी चाहिए थी, कहाँ चली गई होंगी ये चप्पलें। वेयर कुड दे बी, इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, कहाँ हो सकती हैं। और ये ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसने चोरी कर ली हो, क्योंकि घर में तो कोई आया नहीं, हो सकता चोरी भी कर ली हो। सो मेनी वेंडर्स हैव कम टू द डोर वरिड पाती, कि भाई बहुत सारे यहाँ वेंडर्स आते हैं, सब्जी बेचने वाले और लोग आते हैं, शायद उन्होंने तो नहीं ले लिए, क्योंकि जब किसी घर का कोई सदस्य ने नहीं लिए, इसका मतलब कोई बाहर से आया होगा। रुकुमणि कॉट साइड ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। रुकुमणि में देखा, कॉट साइड मीन्स लुक्ड, कि पेड़ के नीचे तीनों बच्चे बैठे हुए हैं चुपचाप से, गुमसुम से। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगन, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, चुपचाप रहे हैं, शांति से हैं। She began and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. एक उनको लगा, रुक्मिणी को लगा कि तीनों बाकी सब पूरा घर जो है वो ढूंढ रहा है, ये तीनों बच्चे चुपचाप बैठे हुए, शांत बैठे हुए, कुछ न कुछ है। एंड दे वर क्यूरियसली क्वाइट, उत्सुकता से क्या है बैठे हुए हैं, क्वाइट, वेंट ऑन मोर स्लोली, सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द वरांडा, पूछने लगे रुक्मिणी जो है बच्चों से, पूछने लगे कि भाई क्या तुमने किसी को घूमते हुए देखा है, कोई चोरी छिपे अंदर तो नहीं आया, कोई इंतजार तो नहीं कर रहा था अराउंड द वरांडा। अ शार्प वी शेव लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आइज, ठीक, उसको गुस्सा सा आ गया, किसको, चाची को, उनकी मदर को। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ, ठीक, गुस्सा आ गया कि भाई जब सब लोग परेशान हो रखे हैं म्यूजिक टीचर की चप्पल ढूंढने के लिए, बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं शांति से, बैठे हुए हुमसुम से बैठे हुए। रुक्मिणी वॉज एंग्री, थॉट मृदु वॉज विद अ शिवर, ठीक, जब उसे गुस्सा आ गया तो मृदु क्या गई, डर गई, कांपने लगी। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर विद सोस ऑन हिज फीट, मृदु कहने लगी यार अगर मैं साथ चाची को बता दूंगी कि भाई बैगर तो बड़ा परेशान था, उसके पाँव में क्या थे, छाले थे बहुत बड़े बड़े। शी वुडंट बी अपसेट, शायद वो नाराज नहीं होगी, इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर विद सोस ऑन हिज फीट। शी ट्राइड टू टेल हर, उसने उसको बोला क्या उसको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए।
Taking a deep breath, she cried, Rukmani, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils in his feet. तो क्या किया उसने मन मृदु ने चाची को बता दिया कि चाची चाची जो बेगर आया था बेचारा बहुत क्या कर रहा था उसके पाँव में छाले थे बहुत बड़े बड़े छाले थे पाँव फट गए थे उसके सो सेड Rukmani तो क्या करे भाई Rukmani ग्रिमली कठोरता से बोला उसने गुस्से से कहा टर्निंग टू रवि यू गेव द म्यूचुअल चप्पल्स टू द ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर अरे इसका मतलब ये है कि तुमने वो जो चप्पलें थी तुमने म्यूजिक टीचर को दे उसको भिखारी को दे दी जो यहाँ तो ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर जो हमें जो यहाँ रोज रोज आता है तो यहाँ रोज आता है चिल्ड्रन दीज डेज ग्रॉन्ड पाती बच्चे आजकल के बच्चे पाती कहने की पाती जो है दादी है उनकी आजकल के बच्चे मतलब क्या 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 ना कहो अम्मा डिंट यू टेल मी अबाउट कर्मा करना हु गेव अवे एवरीथिंग दे ही हैड इवन इज गोल्ड इयर रिंग ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस बच्चे कहने लगे कि अम्मा आपने एक दफे बताया ना कि कर्ण एक बहुत बड़े दानी थे उन्होंने अपना सब कुछ दान दे दिया था इवन अपने जो सोने के इयररिंग गोल्ड के इयररिंग्स थे वो भी दान दे दिए थे उतने दयालु थे इतने करुणामय थे वो व्यक्ति और अब हमने एक छोटी चीज दे दी है तुम उसके लिए तुम इतनी बात बोल रहे हो सिली मूर्खता से बोलना स्नैप Rukmani बेकूफ मूर्ख 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 बच्चों करना डिंट गिव हिम गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स करना ने अपने क्या करा है अदर चिल्ड्रंस अदर पीपल्स थिंग्स दूसरों की चीजें नहीं दी हैं दूसरों की चीजें डिंट गिव हिम अदर दूसरों की चीजें नहीं दी है उसने अपनी चीजें दी हैं ही ओनली गेव अवे हिज ओन अपनी ही चीजें दी हैं बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट बच्चे कहने लगे कि मम्मी जो हमारे चप्पल थे काश अगर मेरे चप्पल फिट हो जाते तो मैं अपनी चप्पल दे देता लेकिन मेरी चप्पल इतनी छोटी थी कि उनपे भिखारी के पाँव में फिट ही नहीं हो रहे थे रवि पुश रश ब्रैशली एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुडंट यू रियली नॉट हैव माइंडेड क्या तुम नाराज नहीं होती अगर मैं देवी देता तो क्या तुम नाराज नहीं होती रवि सेड Rukmani वेरी एंग्री नाउ गो इनसाइड दिस मिनट इसी वक्त अंदर जाओ नाराज हो गई She hurried indoor and brought out. Ravi said, Rukmani, very angry now, go inside at the minute. इसी क्षण पे क्या करो तुम अंदर चले जाओ She was very angry. Said Rukmani, very angry now, go inside the minute. She hurried indoor and brought out Gopu's mama's hardly worn new chappals. अब क्या करती है भाई कुछ ना कुछ तो करना था किसको Rukmani को तो क्या करा उनके अंदर गई और जो गोपू मामा के पहनी हुई चप्पलें थी ज्यादा नहीं पहनी थी hardly worn. न्यू चप्पल्स लेके आ गई बाहर दीज शुड फिट यू और क्या कर दिया उसने Rukmani ने उन चप्पलों को किसको दे दिया म्यूजिक टीचर को दे दिया सर प्लीज पुट दीज ऑन आई एम सो सॉरी माई सन हैज बीन वेरी नॉटी मेरे ये बच्चे बहुत क्या हैं शैतान हैं इनको पहनो तो म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप जो म्यूजिक टीचर था उसकी आंखें खुशी से क्या हो गई चमक उठी ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी लेकिन कोशिश करी कि उनको ना देखे कि क्या है वो बहुत खुश हो रखा हूं मैं वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू शायद तुम्हारा ये काम चल जाएगा ओके नेक्स्ट पेज पेज नंबर 28 आई सपोज दीज विल हैव टू डू शायद इससे आपका काम चल जाएगा क्या करा Rukmani ने जो गोपू मामा की चप्पल जो थी किसको दे दी भिखारी टीचर को दे दी म्यूजिक टीचर को दे दी दीज डे चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स अब थोड़ा सा नाराज भी हो गए खुश भी हो गए क्योंकि उनको नई चप्पल मिल चुकी थी म्यूजिक टीचर कहने लगे दीज डे चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स व्हाट टू डू आजकल के बच्चों का बिल्कुल भी बड़ों के प्रति आदर नहीं है व्हाट टू डू हनुमान इनकार्नेट साक्षात हनुमान है That means ये बहुत शैतान हैं. Only Ram can save such a naughty fellow. सिर्फ भगवान राम ही बचा सकते हैं. Rukmani eyes flashed. एक Rukmani को क्या हो गया? थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया कि क्योंकि उनके बच्चों को क्या कह रहे थे वो? वो कह रहे थे कि शायद ये बंदर कह रहे थे. She didn't like seems to like Ravi being called a monkey. इसको उनको अच्छा नहीं लगा. Rukmani को अच्छा लगा कि वो रवि को monkey पुकारने के लिए Even a holy monkey, चाहे भले वो हनुमान का नाम लिया गया हो
She stood stiff and straight by the front door. एक तन तन गई, स्ट्रेट हो गई, थोड़ा गुस्सा दिखाने लगी. It was clear she wanted him to leave quickly. वो चाहती थी कि वो तुरंत यहां से घर से चले जाए, म्यूजिक टीचर, क्योंकि उसको गुस्सा आ गया था. When she had clattered off in his new चप्पल, ठीक, क्या करा म्यूजिक टीचर ने, जल्दी जल्दी चप्पलें पहनी. Clattered means आवाज करते हुए. She said, मृदु come in and have some tiffin. Honestly, ठीक, मृदु को कहा कि चलो अंदर आ जाओ, टिफिन खा लो. Honestly, ईमानदारी से, how do you children think of such things? तुम बच्चे ऐसे कैसे सोच सकते हो? शायद गुस्से से भी बोली, लेकिन अंदर अंदर शायद उसको सेटिस्फेक्शन था. Thank God you Gopu Mama doesn't wear the chappals to work. अच्छा हुआ कि गोपू मामा ये चप्पलें नहीं पहनते हैं. As she walked towards the kitchen and with Mirdu and Meena, she suddenly began to laugh. एक जब मृदु और मीना के साथ वो अंदर किचन में गई तो चाची या उनकी मदर रुकुमणि हंसने लगी. She suddenly began to laugh. अचानक से हंसने लगी. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes back. लेकिन गोपू मामा की आदत क्या थी कि तुरंत घर में आते थे, जूते उतारते थे, सॉक्स पहनते थे और अपनी चप्पलें पहन लेते थे. लेकिन आज वो चप्पलें नहीं मिलेंगे उनको, है ही नहीं. What's your mama going to say this evening? तुम्हारे मामा क्या कहेंगे तुमको, क्या कहेंगे मुझको, कहेंगे उनकी चप्पलें. Evening, when I tell him I gave this chappal to the music master, मैं ये कहूंगा कि ये जो चप्पलें थी वो म्यूजिक मास्टर को दे दी गई. इस प्रकार से बच्चों ने देखा कि किस प्रकार से बच्चों ने, the lesson name is a gift of चप्पल. बच्चों ने गिफ्ट करा चप्पल किसको, भिखारी को. और रुकुमणि ने गिफ्ट करा चप्पल किसको, म्यूजिक टीचर को. सो इन दिस वे हाउ आवर स्टोरी एंड्स हियर. दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय वसंता सूर्या. ठीक है बच्चों, तो आपने एंजॉय किया होगा, आपने अच्छी लगी होगी कहानी. नाउ सम डिफिकल्ट वर्ड्स, जो डिफिकल्ट वर्ड्स इसमें आए हैं वो क्या क्या हैं. नाउ आई विल टेक यू टू द व्हाइट बोर्ड. मैं ले आता हूं आपको, उसमें आपके वर्ड्स कौन कौन से आए हैं डिफिकल्ट, वो हम करेंगे. तो ठीक है बच्चों, देखिए हम लोगों ने अभी तक 26 वर्ड्स हम लोगों ने पहले कर लिए थे. नाउ बाकी जो वर्ड्स हैं वो क्या, कौन कौन से हैं. स्नूज, स्नूज इज अ नैप, एक झपकी लेना, दैट इज स्नूज. नेक्स्ट वर्ड वॉज जेनरोसिटी, काइंडनेस, परोपकारिता. नेक्स्ट वर्ड इज फीबल, फीबल मीन्स होता है कमजोर. नेक्स्ट वर्ड इज रंबल, रंबल मीन्स थंडर, गड़गड़ाने की आवाज को रंबल कहते हैं. विदर्ड, डल, मुरझाना, जो चीज मुरझा गई हो, दैट इज विदर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज ब्लिस्टर्ड, छाले पड़ना, वोंडेड इज ब्लिस्टर्ड. बीम्ड, स्माइल हैप्पीली, मुस्कुराना. नॉडेड, मूव्ड हिज हेड, सिलाना. मटरिंग, टू स्पीक इनसाइड द माउथ, बुदबुदाना से कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मरमरिंग. नेक्स्ट वर्ड इज वैनिश्ड, डिसअपियर, गायब हो जाना. नेक्स्ट इज अनअप्रिशिएटिव, नो सो गुड टू बी प्रेज्ड, अप्रशंसनीय. स्करेड, मूव इन हेस्ट, जल्दी चलना, जल्दी चला. हैरेस्ड, ह्यूमिलिएटेड, परेशान होना. ग्रिमली, हैव हार्डली, कठोर सोच से. देन अवेकेडली, इन अ स्ट्रेंज मैनर, भद्दे ढंग से. Bow string, a string of the violin, violin के तार को कहते हैं bow string. Jutting out, projecting, बाहर निकले हुए. तो किसका था ये लल्ली का हाथ था, के बारे में jutting था. Glazed is glared, चमकती थी. Next is tuft, a cluster of hairs. Glided, move smoothly, आराम से चलना. Vesti, lower garment of the leg, धोती. These were the word meanings of the gift of chappal. You must have enjoyed. Now, इस प्रकार बच्चों आपको मैं एक assignment दे रहा हूँ. Assignment ये है page number 29 में. Now I am giving you two questions. First question is describe the music teacher as seen from the window.
दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज वट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बैगर हैज नो मनी टू बाय चप्पल्स. ये दो क्वेश्चन हैं, आप लोग करेंगे इसको मेरे नेक्स्ट सेशन में. आपको मैं आपको आई विल गिव यू द आंसर्स ऑफ दिस वन. नाउ बच्चों थोड़ा सा एक चीज और, हम लोग जो हमेशा करते हैं, आपको सब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बताता हूँ इंग्लिश में. सो वो नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ इंग्लिश. ये इस बार मैं चार आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन. फर्स्ट इज विच अल्फाबेट इज प्रोनाउंस्ड एज अ वेजिटेबल. ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जिसको जो सिर्फ नाम से ही है और वो एक वेजिटेबल हो, तो हम उसको कहेंगे पी. और उसके स्पेलिंग क्या होती है, पी ई ए. पता है आपको क्या होता है पी? पी कहते हैं मटर को. सेकेंड क्वेश्चन इज विच अल्फाबेट इज प्रोनाउंस्ड एज अ टूल, औजार, कुल्हाड़ी. सुनिए आपने, कुल्हाड़ी को इंग्लिश में कहते हैं एक्स. एक्स को अगर हम करेंगे तो एक्स की स्पेलिंग क्या होती है, ए एक्स ई एक्स. ठीक है. थर्ड वन, विच टू अल्फाबेट्स मीन्स नॉट एम्प्टी. ऐसे दो अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं जिसका मतलब होता है एम्प्टी, मीन्स खाली, तो वो क्या होता है एम्प्टी, राइट. एंड फोर्थ वन इज विच टू अल्फाबेट्स मीन्स जेलस, इट इज एन वी, ई एन ई वी वाई, जेलस होना, ईर्ष्यालु होना. इस प्रकार से ये चार इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपने इंग्लिश में पढ़े. तो ठीक है बच्चों, आप लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया होगा. स्टडी वी हैव डन थ्री चैप्टर्स, तीन चैप्टर हम लोगों ने हनी कॉम के कर चुके हैं और तीन ही पोएम हमने कर लिए हैं. उसके बाद एक हमने ग्रामर पोर्शन भी किया है. तो इन दिस वे यदि आप किसी बच्चों किसी कारणवश यदि आप डीडी उत्तराखंड के ज्ञानदीप प्रोग्राम नहीं देख पा रहे हैं, तो आप अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी छूटे हुए प्रोग्राम हैं, चाहे इंग्लिश का हो, साइंस का हो, मैथ्स का हो, कभी भी देख सकते हैं, उनको रिवाइज कर सकते हैं उन लेसन्स को. एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे. ओके बच्चों, बाय बाय. डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छे से पढ़ाई करें और कीप योरसेल्फ सेफ. थैंक यू, बाय बाय.